नमस्ते, मैं हूँ आशा और आज मैंने बनाया है रवा उत्पम, वो भी 15 मिनट में। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आइए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो मैंने यहाँ एक कटोरी सूजी ले लिया है, रवा ये बारीक वाली है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, इसको डालेंगे। हमने जितना सूजी लिया है उसका आधा दही लेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। दही डाल दिया हमने, अब इसमें हम लोग डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक है, एक हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और 2-3 कड़ी पत्ता जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको डाल के बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। दही और सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच है, और इसको फिर से मिक्स करेंगे। इसका एक थिक बैटर बनाना है, गाढ़ा पतला नहीं करना, इसीलिए पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, अगर ज़रूरत लगेगा तभी डालेंगे। देखिए बैटर हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है, इतना गाढ़ा बैटर हमारा होना चाहिए। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। बैटर अपना देख लेते हैं, देखिए बैटर हमारा फूल के और भी ठीक हो गया है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच पानी मैं और डालूंगी। गाढ़ा रहेगा तो हमारा बैटर तवा पे जाके फैलेगा नहीं, फिर हमारा उत्पम अच्छा नहीं बनेगा। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच डाला है पानी, देखिए हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए जो चम्मच से इजिली नीचे ड्रॉप हो जाए। अब इसको साइड में रखते हैं, अपना मिश्रण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा साइज का प्याज लिया है, बारीक काट लिया है, और टमाटर आधा टमाटर काटा है मैंने, अगर छोटा हो आपके पास तो काट ले। उसमें चुटकी भर नमक डाल रही हूँ मैं। नमक डालने के बाद 1 टेबल स्पून, छोटा वाला मेरा स्पून है, इसे रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ, अगर आपके पास बटर हो तो बटर का इस्तेमाल करें। मिक्स कर लेंगे इसे, मिक्स कर लिया है मैंने इसे। अगर आपके पास गाजर है तो वो भी डालें, अच्छा लगता है। मेरे पास अभी गाजर नहीं है इसलिए मैं सिर्फ प्याज टमाटर से बना रही हूँ। अब अपने उत्पम बना लेते हैं। तवा हमारा गर्म है, उस पर हल्का सा मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा बस ज्यादा नहीं। अब इस पे अपना बैटर डालेंगे। अब जितना बड़ा उत्पम बनाना चाहे डालें, हल्का सा उसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फैलाएंगे। इसको 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है, किनारों से देखिए हमारा सिक गया है। इस पे अब हमने जो अपना मिश्रण बना के रखा है उसको हल्का हल्का डाल देंगे। आप जितना ज्यादा मिश्रण डालना चाहें डाल सकते हैं। मिर्च हमने हरी बैटर में ही डाला है, अगर आप ऊपर से भी डालना खाना पसंद करते हैं तीखा, तो ऊपर से भी हरा मिर्च डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको हल्का हल्का हम लोग दबा देंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए बैटर में ये, और इसको फिर 1 मिनट के लिए सेकेंगे। 1 मिनट हो गया है इधर से भी, अब हम इसको पलटेंगे बहुत सावधानी से, और चूल्हा हमारा मीडियम से थोड़ा सा कम है, सावधानी से पलटेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और इसको हल्का सा दबाएंगे, हम ज्यादा हाई नहीं करेंगे नहीं तो जल जाएगा, और अगर ज्यादा कम करेंगे तो हमारे उत्पम हार्ड हो जाएंगे। इसको पकने देंगे। अब इधर से भी साइड से भी पलट लेंगे बढ़िया से। देखिए हमारे उत्पम सिक चुका है, थोड़ा सा बस इधर से सेक लेंगे, इसी तरह हम सारे उत्पम अपने सेक लेंगे। हमने सारे उत्पम बना लिए हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने सारे उत्पम बना लिए हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।